प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नाबार्ड के द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह का आयोजन योगी राज गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड के माध्यम से अल्प अवधि फसली ऋण के अंतर्गत 2,200 करोड़ की स्वीकृति पत्र, बड़ौदा यूपी बैंक व DCCB के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों एवं कृषकों को दिए गए ऋण का स्वीकृति पत्र, बड़ौदा यूपी बैंक गोरखपुर के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2.50 करोड़ का स्वीकृति पत्र नाबार्ड से UPSGVBJLTS को डिजिटलीकरण हेतु स्वीकृति पत्र, स्टेट बैंक द्वारा FPO को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्याम मिल्क ATM का अनावरण, स्टेट फोकस पेपर का अनावरण, नाबार्ड के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अत्यंत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद शासन की योजनाओं को गाँव, गरीब, किसान, नौजवान आधारित बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान व्यवस्था को एक नए सिरे से भारत के केंद्रीय शासन एवं राज्य शासन के एजेंडा का हिस्सा बनाया है। अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जैसे KCC, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना उसी का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। वह लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, जिसके लिए 1,00,000 करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग 10,000 APO का गठन करना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 APO के गठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूहों को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करने और आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान लोगों ने पलायन कर अपने घरों को आए, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला आजीविका समूह के द्वारा मास्क बनाने, PPE किट बनाने सहित अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़कर अभियान चलाया गया, वह अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, आलू उत्पादन में नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश में फिर से नंबर 1 पर है। कोरोना काल खंड में प्रदेश की कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी गई, 119 चीनी मिलों को चलाया गया। गन्ना किसानों का विगत 4.5 वर्ष में 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ने मूल का भुगतान उनके खाते में कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं का रिकॉर्ड क्रय करने के बाद वर्तमान धान क्रय की दिशा में प्रदेश सरकार मजबूती के साथ बढ़ी है। लगभग 5,000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित कर हर एक किसानों की उपज को क्रय कर उसका मूल्य DBT के माध्यम से किसानों के खाते में पूरी प्रतिबद्धता के साथ भेजने का कार्य कर रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो, यह सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। लगभग 60% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर जब सरकार ने ध्यान दिया, तो देखते ही देखते परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर DS चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा एवं नाबार्ड के कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर विधायक विपिन सिंह, शीतल पांडे, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, बैंकों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी। स्वागत करते हैं
हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का जो अब मंच पर उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए कुछ समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया है, डॉक्टर डीएस चौहान जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट कर करें। अनुरोध करूंगी हम दीप प्रज्वलन उसी ईश्वर का आह्वान करने की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। दीप का अपने संवेद ढंग से जलना और उसकी लौ में उतार चढ़ाव के साथ अनवरत अपने क्षेत्र में प्रकाश बिखेरना इस बात का द्योतक है कि जीवन के इस रण क्षेत्र में अपने मूल स्वरूप तथा स्वभाव के साथ जलते हुए भी हम सकारात्मक पहलू फैला सकते हैं। इसी ध्येय को पूरा करता है नाबार्ड और कृषक उत्पादक संघ से आए हमारी सभी महिलाएं बहनें, आप सबको सत सत नमन अभिनंदन। करवा चौथ होने के बावजूद हमारी महिलाएं आज इस हॉल में हैं। इस प्रदेश की ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, और मेरा मानना है कि जो प्रदेश के केवल यहाँ पर पूर्वांचल से आए स्वयं सहायता समूह या कृषक उत्पादक संघ नहीं है, प्रदेश से आए अलग अलग जिलों से जो हमारे यहाँ पर भागीदार हैं विकास की इस यात्रा में, स्वयंसेवी संस्था के लोग, हमारी महिलाएँ, कृषक, सबका मनोबल आज ऊंचा होगा और वो आगे आने वाले समय में और अधिक कर्मठता से और अधिक मेहनत से सब मिलके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आगे चलेंगे। कोशिश करते हैं कि बैंकों के साथ मिलके, शासन के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके ग्रामीण विकास को गति दें, और ये बड़ा हर्ष का बात है, हम सभी नाबार्ड के लोगों के लिए एक गौरव का बात है। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में नाबार्ड अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से कर रहा है, और हमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले साल नाबार्ड ने करीब 15,000 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में दिया, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऋणों का प्रवाह अनवरत चलता रहे। साथ ही साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए हर साल हम उत्तर प्रदेश शासन को अपनी RIDF के अंतर्गत देते हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, जैसे सिंचाई के योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं, पुलों की योजनाएं हैं, स्कूल हैं, ये सब समय पर पूरे हो सकें और प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिले। बैंकों प्रदत्त 2200 करोड़ रुपए फसली ऋण की स्वीकृति पत्र को बैंक से आए बैंक के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी एवं बैंक के प्रबंध निदेशक श्री वीके मिश्रा जी को प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री हिमांशु मिश्रा जी से कि वो संस्तुति पत्र मंच पर लाने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से कृपया हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मनोबल बढ़ाएं। साथ ही नाबार्ड द्वारा 500 माइक्रो ATM भी उपलब्ध कराई गई है उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। इससे किसानों को समस्त बैंकिंग सुविधाएं उनके द्वार पर मिलेंगी, साथ ही बिजली के बिलों का भुगतान भी इस डिवाइस के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस आप सभी उपस्थित अतिथि, हमारे कृषक एवं महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित होगी।
और इसी क्रम में मैं अब मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कि बड़ौदा यूपी बैंक को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अनवरत कार्यरत रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्व प्रेरणा स्वयं सहायता समूह से आई मंजू सिंह जो SHG के अध्यक्ष भी हैं, देवरिया के स्वयं सहायता समूह से आई संध्या यादव, बस्ती के कमल स्वयं सहायता समूह से आई श्रीमती रेखा देवी जी से कि वो मंच पर आए एवं संस्तुति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का स्वागत करें। वही काम कर रहे हैं, कुछ लड़कों के बारे में आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए बताइए। इधर घूम के थोड़ा घूम जाइएगा। ज्ञात होगा ग्रामीणों में वित्तीय साक्षरता जागरूक करना न केवल थोड़ा इधर घूम जाइएगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला सहकारी बैंक थोड़ा इधर घूम। कोई बात नहीं, थोड़ा क्षमा चाहूंगा। संत राज आज स्टेट फोकस पेपर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में वर्ष 2022-23 में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋणों की संभावना है। ये बैंक ऋण फसली ऋण, कृषि से जुड़ी गतिविधियों, लघु एवं छोटे उद्योगों तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों जैसे गृह ऋण आदि के लिए संभावित है। 3.5 लाख करोड़ के इन ऋणों में सबसे महत्वपूर्ण है फसली ऋण, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नितांत आवश्यक है। इसका आकलन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, सिंचाई, फल उत्पादन इत्यादि के लिए 38,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग एवं MSME सेक्टर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों जो हमारे ज्यादातर युवाओं को रोजगार देते हैं, इसके लिए 97,000 करोड़ रुपए का ऋण आकलन किया गया है। उत्तर प्रदेश देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी योगदान देता है। इसके लिए हमारे अन्नदाता पूरी मेहनत और कर्मठता से कार्य करते हैं। फिर भी हमारे सामने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। नाबार्ड के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मंच पर बुलाना चाहूंगी कास्या डेयरी उत्पादक कंपनी के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार। कार्यक्रम के अंतरिम पड़ाव पर जब मैं आग्रह करूंगी कि वे हमारे उत्पादक कंपनियों को सम्मान देकर सुशोभित करें, मैं बुलाना चाहूँ सम्मान ग्रहण करें।
कासगंज से आए नया सवेरा एसएचजी की प्रतिनिधि को, साथ ही इनके शाखा प्रबंधक नया सवेरा एसएचजी, जय मां वैष्णव महिला एसएचजी एवं परी एसएचजी, इन सभी चार एसएचजी महिला सहायता समूहों को तृतीय पुरस्कार दिया गया। कृपया जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। सीता स्वयं सहायता समूह जो गोरखपुर जिले में कार्यरत है, जोरदार तालियों से इन महिलाओं का हौसला अफजाई करते रहे। बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मी यादव जी भी इनके साथ जा सकते हैं। अब हम बुलाते हैं अमरोहा से, टाइम बोलिए। माननीय विधायक श्री बिपिन सिंह जी, शीतल पांडे जी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष श्री संतराज यादव जी, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री डीएस सोहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नाबार्ड समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण, तमाम आजीविका मिशन से जुड़ी हुई यहां पर उपस्थित सभी उनके पदाधिकारी और सदस्यगण, कृषक उत्पादन संगठनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नाबार्ड के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपने आप को आपके बीच में मैं पाकर के अत्यंत प्रफुल्लित हूं, उत्साहित हूं। और दीपावली का के पूर्व इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिश से और फिर वह कार्यक्रम गोरखपुर में हो वो मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। इसके लिए मैं नाबार्ड को धन्यवाद देते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अत्यंत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रयास नहीं हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद शासन की योजनाओं को राजनीतिक कारणों या वोट बैंक की राजनीति के दायरे में कैद होने की बजाय भारत को भारतीय दृष्टिकोण देकर के उसको गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं से आधारित बना करके भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि प्रधान व्यवस्था को एक नए सिरे से भारत के केंद्रीय शासन का और राज्य शासन के एजेंडे का हिस्सा बनाया। और उसके बाद अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, सॉयल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम हो, केसीसी का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, या फिर वर्तमान में देश के अंदर लगभग 12 करोड़ किसानों को प्राप्त हो रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, ये सभी उसी के परिणाम है। पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी और कोरोना जैसी महामारी जब पूरे प्रदेश और पूरे देश को, पूरी दुनिया को त्रस्त की थी,
तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। वह लक्ष्य था आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना, और इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद में लगभग 10,000 एफपीओस का गठन करना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 एफपीओस के गठन के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के साथ हम लोगों ने गोरखपुर में ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, और निरंतर उसमें एक नई गति आती हुई दिखाई दी। आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूहों को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करने और उनके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैंने प्रदेश के अंदर अनेक ऐसी महिला समूहों को देखा है जिन्हें बैंकों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया, और खासतौर पर जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, मुझे याद है 2019 में हम लोगों ने झांसी में एक महिला स्वयंसेवी समूह को, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को, वहां पर गठन करके उसे बैंकों के साथ जोड़ करके उस अभियान का शुभारंभ किया था। वर्तमान में 600 से अधिक महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और 600 से अधिक महिलाओं के साथ ही जब मैं उनकी कार्य पद्धति को देखता हूं, विगत वर्ष में उनके कार्य पद्धति को देख रहा था कि उन्होंने एक वर्ष में 4 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट भी प्राप्त किया है उस अकेले बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने। आजीविका मिशन ने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, रोजगार के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने, जब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के कारण लोगों ने प्लान किया घर के लिए, तब ग्रामीण क्षेत्र में महिला आजीविका समूहों के द्वारा कहीं पर मास्क बनाने का, कहीं पर पीपी किट बनाने का, कहीं पर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़कर के जो अभियान चलाया गया वह अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज नाबार्ड के संरक्षण में हमारे अनेक बैंकर्स इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुझे प्रसन्नता है कि अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश या देश 2014 के पहले क्या स्थिति थी, शासन की किसी भी योजना से जोड़ने के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे वह नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जब इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ, आज देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि किसान को उसकी उपज का 1.5 से 2 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज देश का नंबर एक स्थान पर आता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अनेक योजनाओं में पीछे था, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक किसान परेशान था, कोई उसका प्रोत्साहन नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उस समय समर्थन मूल्य घोषित किया, किसान को उस समय सपोर्ट किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर एक पर है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश फिर से नंबर एक स्थान पर है, और कोरोना कालखंड में भी हमने प्रदेश की कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी, 119 चीनी मिलों को चलाया। गन्ना किसानों का विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी उनके खाते में सीधे करवा करके उन्हें फिर से इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य किया। 1,35,000 करोड़ रुपए तो चीनी मिलों से किसानों के पास गया है,
जो खांडसारी उद्योग के साथ जुड़े हैं वहां इनकम उनकी अलग है, इथेनॉल के साथ जो जुड़े हैं वह इनकम अलग है, उसका अतिरिक्त दाम उन्हें प्राप्त हुआ है। यानी हर एक स्तर पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रयास। पहले उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, सरकारों की रुचि नहीं थी। 2017 के बाद सरकारों ने उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम है कि आज हम किसानों से सीधे क्रय करते हैं। गेहूं का रिकॉर्ड क्रय करने के बाद वर्तमान में धान के क्रय की दिशा में भी प्रदेश सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। लगभग 5000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित करके हम लोग हरेक किसान की उपज को क्रय करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे एमएसपी भी लागत का 1.5 गुना किसान को प्राप्त हो, इस सरकार का लक्ष्य है। किस खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं रहेगी, बल्कि अन्नदाता किसान सम्मान पाएगा और फिर उसमें जब बैंकर्स जुड़ जाएंगे और नाबार्ड जैसी संस्थाएं जब उसके साथ जुड़ जाएंगी तो फिर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। और इसी दृष्टि आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मेरा यह मानना है देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम रोजगार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे अधिक संभावना है वह है रोजगार प्रदान करने वाला कोई सेक्टर आज के दिन पर भी है तो वह है कृषि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी कोई है तो वह है कृषि। लगभग हम 60% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर निर्भर होते हैं और इसीलिए जब सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया परिणाम सामने आया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज जब हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, थोड़ा उसे सपोर्ट किया, देखते ही देखते परिवर्तन हुआ और मात्र 4 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभर करके सामने आ गया है। ये किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है और उस प्रयास के क्रम में आज यहां पर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा यहां पर आयोजित हुए हैं, जिसमें अल्प अवधि फसली ऋण योजना के माध्यम से यहां पर राज्य सहकारी बैंक को 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करना, इसी प्रकार से महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए भी 450 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, बड़ौदा यूपी बैंक के माध्यम से केसीसी ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को ऋण देने के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान करना, जिला सहकारी बैंक को वित्तीय साक्षरता के लिए भी कार्यक्रमों के लिए पूरा ध्यान फोकस किया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर नाबार्ड से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक का डिजिटलीकरण हेतु भी स्वीकृति पत्र प्रदान करना, यहां पर भी हम लोगों ने बैंक के अध्यक्ष श्री संतराज यादव जी को उसकी स्वीकृति पत्र नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। प्रदेश के अंदर नाबार्ड से नाबार्ड ने अपनी कॉफी टेबल बुक भी 4 दशक में नाबार्ड ने क्या क्या काम किए हैं उससे संबंधित कॉफी टेबल का प्रकाशन हुआ है। मैं इसके लिए नाबार्ड को हृदय से एक सफलतापूर्वक 4 दशक के अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनकी उपलब्धियों के लिए जो उपलब्धियां उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में हासिल की है, इसके लिए मैं नाबार्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। एफपीओज की बड़ी भूमिका हो सकती है और मेरा यह आज भी मानना है एफपीओज की भूमिका और आजीविका मिशन से जुड़ी भी स्वयंसेवी समूहों की भूमिका, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगर सभी बैंकर्स इसके साथ जुड़ जाएं, स्टेट के साथ मिलकर के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और राज्य सरकार मिलकर के
उन्हें क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने के साथ ही अगर हम उन्हें रिवॉल्विंग फंड समय से उपलब्ध करवा लें, उनके अनुरूप कार्यक्रम उन्हें उपलब्ध करवा दें, तो मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में हमें मदद मिल सकती है। और एफपीओस की भूमिका भी, खासतौर पर वर्तमान में 1,00,000 करोड़ का जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया है, हर विकास खंड में, उत्तर प्रदेश के अंदर 826 विकास खंड है, प्रदेश के अंदर हर जनपद में, बड़े जनपद में हमारे पास 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, और प्रदेश के अंदर हमारे पास जो छोटे जनपद है वहां 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र को लक्ष्य दिया है जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 3 या 4 एफपीओस के गठन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। ये एफपीओस ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ा कार्य इनके माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें किसानों को बैंकों से जोड़ने के साथ ही वहां पे स्थानीय स्तर पर स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने में भी ये समूह बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि यह कार्य तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य होगा। इस दिशा में आज यहां पर अनेक महिला स्वयं, 6 महिला स्वयं सभी समूह को यहां पर आज सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से यहां पर 4 एफपीओस को भी आज नाबार्ड के द्वारा यहां पर आज सम्मानित किया गया है, उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया गया है। मुझे विश्वास है प्रदेश की अन्य महिला स्वयंसेवी समूह और एफपीओज इससे प्रेरणा प्राप्त करके वे इससे बेहतर करने की दिशा में कार्य कर पाएंगे, जिससे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को हम इसके साथ जोड़ सकेंगे। मैंने अभी यहां पर बैंकर्स से इस बारे में अपील भी की है, वे प्रयास करें कि अधिक से अधिक आजीविका समूह को हम अपने साथ जोड़ करके उन्हें शासन का रिवॉल्विंग फंड भी दे करके किसी न किसी रचनात्मक अभियान के साथ जोड़ेंगे। वर्तमान में लगभग 52,00,000 महिलाएं प्रदेश के अंदर आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई है। हमने इस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर इस संख्या को हम 1 करोड़ तक पहुंचाएं। अब 1 करोड़ महिलाएं जब आजीविका मिशन के साथ जुड़ेंगी, तो न केवल वह जिन परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं, वे परिवारें आत्मनिर्भर होंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने और शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ वे लोग अपने गांव में ले जाने का कार्य कर सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज जिला कोऑपरेटिव बैंक ने यहां पर अपना एक मोबाइल एटीएम भी यहां पर प्रस्तुत किया है। एक कोऑपरेटिव बैंक का मोबाइल एटीएम आजीविका मिशन के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि वर्तमान में जब हम लोगों ने बिजली के बिल गांव में ही जमा करने की सुविधा दी है, ये मोबाइल एटीएम उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और उस दिशा में लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत में आज शासन बैंकों के साथ मिलकर के बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की तैनाती कर रही है कि गांव के व्यक्ति को बैंकों में लेन देन के लिए ना जाना पड़े, बल्कि गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध हो सके। जब महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य के साथ जुड़ेंगी, महिला स्वयंसेवी समूह को वर्तमान में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के साथ भी जोड़ा है। बाल विकास और पुष्टाहार की योजना जो आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होता है, अब उस आंगनबाड़ी को सहयोग के साथ जोड़ने के लिए महिला, गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह उसके साथ जुड़ेगी। जिस गांव में अब तक राशन के कोटे का विवाद था, उस गांव में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जब विवाद हो तो बिना किसी अन्य चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए गांव की आजीविका मिशन को पहली प्राथमिकता के आधार पर राशन कोटे की दुकान वहां आवंटित कर दी जाए और गांव के प्रति उसे जवाबदेह बना दिया जाए। वह बेहतर तरीके से गांव की व्यवस्था का संचालन कर देगी। स्वस्थता की दृष्टि, स्वावलंबन की दृष्टि अनेक कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हुए हैं। मैं इसके लिए नाबार्ड को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को दीपावली के पूर्व इतने अच्छे रोचक कार्यक्रम के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है,
इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब भी, जैसे यहां पर कुछ आजीविका मिशन को सम्मानित किया गया, कुछ ग्रामीण, कुछ एफपीओज को सम्मानित किया गया, ऐसे ही कार्य अगर आप भी अपने स्तर पर प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मिशन को भी सरकार भी, बैंकर्स भी मान्यता देकर किसी प्रकार से सम्मानित करेंगे और एक बड़े तबके को आप अपने साथ जोड़ करके विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरेंगे। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।